Good morning, ninth standard students. Today we will learn subhashit Vaibhava. Before that, we have to start. You know the, you know we, uh, we see the subhashit was in eighth standard, okay? You know the meaning of the subhashit. What is the meaning of the subhashit? Epigram. Yes. In the Sanskrit literature, the longest poetic work is known as a mahakavyas, and the smallest poetic work is known as a Muktakas. Just as a single all of the invaluable. So, two are this small muktakas. Okay. And this muktakas are saying or epigram. Okay. So, today we will learn epigram. Okay. All epigrams are very beautiful. See the moral. All epigrams having a moral, good moral. Okay. So, we will start first. मादुर्यम अक्षर अभिव्यक्ति छेदनमस्तु सुस्व धैर्य लय समर्थन पाठका गुणा इन फर्स्ट एपिग्राम वी विल लर्न क्वालिटी ऑफ अ गुड रीडर ओके इट मीन्स स्वीटनेस अक्षर व्यक्ति लेटर एंड वर्ड प्रोनाउंसिएशन पद छेदनम डिविजन ऑफ सेंटेंस और स्ट्रेंजर सुस्वर स्वीट वॉइस धैर्य पेशेंस लय टोन रिधम पाठका रीडर गुणा इट मींस की क्वालिटी Sweetness of tone, clear pronunciations of the letter and words, division of sentence, beautiful voice, courage of sense, of rhythm. These six are qualities of a good reader. Okay? How many qualities are, are there? Six qualities of the good reader. Okay? Now second, चलम चित्त चलम वि चले जीवन यौवने चलाचलदर्त हि जीविती चलम चलम इट मीन्स नॉट स्टेबल वित्तम इट मीन्स वेल्थ चित्त इट मीन्स माइंड Kirti, it means reputation. Jivan yovanah. Youth life, young life. Chala, chala Stable, unstable. He, live forever. Wealth is not stable. Mind always unstable. Life and youth are unsteady. All of these stable and unstable but... ओनली द रेपुटेशन ऑफ गुड पीपल लिव फॉर एवर इट मीन्स हमारे पास हमारे पास भले कितना भी पैसा हो आज है कल नहीं भी है ठीक है हमारा जीवन है ठीक है हमारा जो जीवन है वो हमारा जीवन भी आज हम यंग है तो कल ओल्ड होना ही हमें है ठीक है हमारा माइंड है वो माइंड भी कैसा है व्यूवरिंग माइंड है कभी हाँ कभी ना कभी एस कभी नो कभी यहां कभी वहां चंचल मन है ठीक है और ये मन है पैसा है हमारी यंग लाइफ है वो हमेशा चला चला, चला स्टेबल अनस्टेबल रहती है कभी आती है कभी जाती है ठीक है बट कीर्ति रेवा कीर्ति एव इट मीन्स की अब रेप्यूटेशंस जो जो पूरी जिंदगी भर इंसान ने कमाई हो इज्जत वो मरने के बाद भी लोग उसे याद करते नो दैट मैन इज अ वेरी गुड मैन ऑलवेज हमेशा हेल्प करते थे ये थे उनकी अच्छी बातें लोगों को हमेशा याद रहती तो यही रेप्यूटेशन और हमें लाइफ में यही रेप्यूटेशन कमानी है ओके सो सेकंड इज़ वेरी गुड कभी अभी आजकल के लोग पैसे के पीछे भागते हैं ठीक है थीके? हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है लेकिन हमें उतनी ही हमारी रेप्यूटेशन लोगों के बीच में बनानी चाहिए ओके दैट इज़ अ वेरी गुड मोरल एंड जस्ट यू ऑल इट इन योर माइंड रेप्यूटेशन इज फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन आपके पास कितना भी पैसा हो कुछ भी हो पर अगर अगर, अगर आपका बिहेवियर प्रॉपर नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा सो आपके पास आपके साथ आपके पास कोई नहीं रहेगा सो so, ऑलवेज हमेशा बिहेवियर कैसा होना चाहिए गुड बिहेवियर होना चाहिए ओके नाउ थर्ड वन इज वेरी गुड ओके हमारे लाइफ में एक्सैक्टली परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ यहां पे दिया है मक्षिका वृणम इच्छती धनम इच्छती पार्थिवा ही कलम इच्छती शांतिवाम इच्छती साधवाहा मक्षिका इट मींस की हाउस फ्लाय वृणम यानी कि यानी कि टू बी विश ओके धनम इच्छती मनी पार्थिवाहा इट मीन्स की किंग नीचा जो विकेट पीपल होते जो उनकी सोच ही अच्छी नहीं होती है वैसे लोग ओके okay? उनको हमेशा कलह इट मीन्स कि उनको हमेशा लड़ाई झगड़ा क्वेरलिंग सब पसंद होता है और शांति वामी इच्छति जो पीसफुल जो अच्छा इंसान साधव इट मीन्स कि जो गुड पीपल होते हैं दे वॉन्ट टू पीस ओके okay? जो मक शिका इट मीन्स की हाउस फ्लाई देखो जहाँ भी अगर कहीं घाव लगा है तो वहाँ हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई सबसे पहले आते है और उसी पे बैठते है तो उसको करोचती है और उसको गहरा हमारा जो घाव होता है उसको और गहरा बनाती है ठीक है इसलिए तो हाउस फ्लाई को तो हमेशा वैसा ही वन चाहिए कि वो हमेशा खुरचे और उसको मजा आए और सामने वाले इंसान को दुख पहुँचाए पार्थिवाह धनम इच्छती और जो किंग होता है उनको हमेशा मनी चाहिए वेल चाहिए क्यों बिकॉज उनको अपने पूरे राज्य की देखभाल करनी होती है इसलिए उनको धन चाहिए नीचा ही कला इच्छती जो लोगों की सोच ही बुरी होती है ठीक है वो लोग हमेशा कलह इच्छती हमेशा हमेशा हमेशा, हमेशा द डिजायर क्वेरलिंग हमेशा लोग लड़ते रहे लड़वाते रहे और वो मजे लेते रहे किसी का कभी भला नहीं चाहते ठीक है ऐसे लोग भी बहुत सारे हमारे आसपास होते हैं सो बी अवेयर ऑफ दैट शांति माम इच्छती तो जो गुड पीपल दे ऑल दे ऑलवेज वांट टू डिजायर अ पीस उनको हमेशा क्या चाहिए शांति चाहिए तो हाउस फ्लाई ऑलवेज डिजायर वन किंग डिजायर वेल्थ द विकेट पीपल डिजायर क्वेरलिंग क्वेरल एंड गुड पीपल ऑलवेज डिजायर पीस ओके नाउ फोर्थ वन गावे गंधेन पश्य पश्य ब्राह्मणा ही पश्य राजना राजन, राजन चक्षुभ्यातर ओके तो यहाँ पे कव न पश्यन्ति ठीक है आप काव यानी कि गा, गावो इट मीन की काव जो गाय है आप उनको पता होता है कि उसको पता है कि ये कौन सा आपने जो भी कुछ उसको डाला है उसको पता होता है कि ये कौन सी चीज़ मुझे डाली है खाने के लिए या किस चीज़ के लिए उसको नहीं पता होती है ठीक है तो इसीलिए हमेशा वो कोई भी चीज़ आपको गाय को खिलाते हो ना तो वो सबसे पहले स्मेल करती है क्या करती है स्मेल करती है तो गाय हमेशा गंदे न स्मेल से देखती है स्मेल से पहचानती है कि ये सब्जी खाए जो भी मुझे दिया है वो खाने लायक है कि नहीं तो हमेशा वो स्मेल से जान जाती है ये मेरे खाने लायक है कि नहीं है वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणाह वेदे ही यानी कि ब्राह्मण जो होते हैं वो अपनी वेद वेद शक्ति से वो देखते हैं चारे ही पश्यंती यानी कि जो आ, राजा है ठीक है जो राजा है वो हमेशा डिटेक्टिव की नजर से देखते हैं यानी कि जो उनके जासूस होते हैं ना वो हर जगह पे उन्होंने फैलाए रखे होते हैं तो उन्हीं की आंखों से देखते हैं बट कॉमन पीपल जो है ठीक है कॉमन पीपल वो किससे देखते हैं इतर ही जनाहा यानी कि कॉमन पीपल चक्षु चक्षुव्यामह वो अपनी आंखों से ही देखते हैं काव सी एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स बाय स्मेल पुरोही सी दर्ड वर्ल्ड बाय द नॉलेज ऑफ वेदास किंग सी थ्रू द डिटेक्टिव एंड कॉमन पीपल सी विद द आइज ओके नाउ नेक्स्ट वन फिफ्थ वन दरिद्रा देय दड़ा च पीपासीताय पानीय क्षुद्धिताय जब भोजनम यानी कि बहुत ही अच्छा है दारिद्र्य पुअर पीपल जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें क्या देना है धनम देयम उनको पैसे देने चाहिए उनकी ज़रूरत है तो हमें हेल्प करनी चाहिए ज्ञानम देयम जड़ाए जड़ाय, जड़ाए यानी कि जो मूर्ख होता है जो फुलिश होता है जिस अकल जिसको नॉलेज नहीं होती तो उसको हमें नॉलेज देना चाहिए ज्ञान देना चाहिए बराबर पिपासिता या पानी हम, जो तर्स्टी है जो प्यासा है उसे हमें पानी देना चाहिए और शुद्धिता भोजन शुद्धिता यानी कि जो भूखा है जो हंगरी है उसे हमें क्या देना चाहिए भोजन देना चाहिए द पुअर शुड बी गिवन मनी एंड अनएजुकेटेड शुड बी गिवन नॉलेज वाटर शुड बी गिवन टू बी थर्स्टी एंड फूड शुड बी गिवन टू द दंगी पीपल सिक्स वन लोभ लोभ क्रोध प्रभवती लोभ काम प्राजयते लोभ मोहष्च नाशम च लोभ पाप से कारण ठीक है यहाँ है लोभ इट्स वेरी गुड लोभ यहाँ आजकल के लोगों में बहुत आता है उसे क्या कहते हैं ग्रीड किसी भी चीज़ को आसानी से पाने का लोभ लालच ग्रीड लोगों में होती है तो लोभ यानी कि ग्रीड क्रोध यानी कि एंगर मोह यानी डिस्ट्रैक्शंस, पाप यानी कि सीन्स नाश इट मीन्स की डिस्ट्रॉय सो लोभ क्रोध हा, प्रभवती लोभ जो ग्रीडिन ऐसे ना वो गुस्सा दिलाता है क्रोज एंग्री हो जाते क्योंकि जो चाहिए वो नहीं मिलता तो लोग गुस्सा हो जाते हैं लालच होती है उनके दिमाग में कि हमें ये चाहिए और हमें ये मिलना ही चाहिए अगर उन्होंने एक बार थाम लिया और उनको नहीं मिला तो दे बिकम एंग्री ठीक है यानी कि जो ग्रीड की शुरुआत होती है वो ग्रीड से ही होती है कोई भी चीज़ की शुरुआत ग्रीड से ही होती है जब इंसान के मन में लालच आता है तो उसके मन में पहले उसका अगर वो चीज़ ना मिले तो वो सबसे पहले गुस्सा हो जाते हैं लोभह कामाह प्राजयते लोभ जो है वो काम को ठीक है काम को जन्म देते हैं यानी कि बुरा काम करने के लिए वो लोग पीछे नहीं हटते कर लेते हैं लोभ मोहस्य नाशम ठीक है लोभ जो है वो मोह का नाश करता है ठीक है जो लोभ है ना हमको हमारे मन में अगर हम किसी के आ, प्रति हमें मानो कि मोह है नहीं ये अच्छा है ये है वो है पर कहीं ना कहीं ग्रीड आ जाती है लालच आ जाता है तो उसको भी नाश कर देता है उसको पाने की चाह ही खत्म कर देता है और लोभ ही पापस्य कारण हम और ये यही ग्रीड है जो हमसे पाप करवाता है और हम पापी बन जाते किसी का बुरा करते हुए भी हम पीछे नहीं रहते ठीक है सिर्फ और सिर्फ हम हमारा ही अच्छा चाहते हैं किसी और का नहीं चाहते बट दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग ये बहुत ही गलत बात है हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमें लाइफ में ग्रेड नहीं करना चाहिए ये जो आपके एपिग्राम से वो बहुत आपको अच्छा अच्छा मॉरल्स देते हैं जो आपकी रूटीन की लाइफ में जब तक आप जिएंगे तब तक ये सारे जो आप, जो मॉरल है वो आपको काम आने वाले हैं सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड ठीक है कभी भी लोभ मत करना ग्रीड मत करना नहीं तो यही क्रिड आपको कहाँ ले जाकर खड़ा करेगी यू डोंट नो ओके नेक्स्ट वन तक्षस्य तक्ष तक्षस्य विषम दंते मक्षिकाय च मस्तक वृश्चिक विषम पृछे ही सर्वांगे दुर्जनस्य ततः इट्स अ वेरी गुड तक्षक यानि कि जो तक्षक नाम का जो स्नेक होता है उसका पॉइजन दंते ही दांत में होता है उसका पॉइजन कहाँ पे होता है दात में होता है मक्षिकाष्य मस्तक यानी कि मॉस्किटो है हनी भी है उनका जो पॉइजन होता है उनके मस्तक में होता है मस्तक इट मीन्स की हेड में होता है वृश्चिकस्य वृश्चिक इट मीन्स की स्कॉर्पियन उसका जो विष है वो उसकी पूछ में होता है टेल में होता है बट दुर्जनस्य बट दुर्जनस्य जो बैड पीपल होते हैं खराब पीपल होते हैं विकेट पीपल होते हैं उनका उनकी तो अंगे, सर्वांग अंगे यानी कि फुल बॉडी जो है उनकी पॉइजन वाली होती है हाँ हेड से लेकर टोस तक वो पूरे ही उनकी फुल बॉडी में पॉइजन ही होता है सिर्फ अगर एक बार ठान लेना कि ये इंसान बुरा है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं यानी कि हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए तो ये जो एनिमल्स है हाउस फ्लाई है इंसर्ट्स है उनका तो भगवान ने तय करके रखा है कि उनका पॉइजन कहाँ पर उनको राइट प्लेस दी है लेकिन एक इंसान ही है जिसको हमें पहचानना है कि वो अच्छा है या बुरा है ठीक है तो एक इंसान ही है जिसके पूरे शरीर में पॉइजन भरा हुआ है पता नहीं कब किस पे निकाल दे हमें पता नहीं होता है तो दुर्जन लोग जो ख़राब लोग होते हैं हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं तो वैसे लोग की फुल बॉडी कैसी होती है पॉइजन वाली होती है ओके okay? उत्सवे व्यस नेक्स्ट वन उत्सव व्यसने चव दुर्भिक्षे शत्रु विपले राजदारे स्मशाने यतिष्ठति सह बांधवाह इसमें आपको फ्रेंड किसे कहते हैं सच्चा फ्रेंड किसे कहते हैं ये यहाँ पे दिखा है उत्सव यानी कि कोई फेस्टिवल होता व्यसने आप कोई बुरा काम कर रहे हो, हो या कुछ ऐसा कुछ भी हुआ है बराबर डिफिकल्टीज आई हो तब दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष यानी कि फेमिनाइन शत्रु भी पले जब आप अपने दुश्मन के साथ जब आप युद्ध कर रहे हो तब राज द्वारे यानी आपने कोई ख़राब काम किया हो और उसको अपने राजा ने आपको बुलाया है तभी और फिर स्मशान ने एंड ऑफ योर लाइफ जब आपके आपके किसी की भी आ, लाइफ का एंड होता है तब यानी कि दुख के समय में च यह तिष्ठती जो आपके साथ खड़ा होता है ना सह बांधवा वही आपका ट्रू फ्रेंड है। और ऐसे ट्रू फ्रेंड को आपको पहचानने की बहुत ज़रूरत होती है सो यू नो योर ट्रू फ्रेंड हु इज योर ट्रू फ्रेंड ठीक है ऐसी जगहों पर यानी कि जब जब आप पे मुसीबत आए ऐसे ही नहीं कि सुख में साथ आए दुख में चले गए ऐसे कभी भी आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते आपके सुख में आपके दुख में आपके चाहे फिर आप किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो आपके साथ कहीं पे बुरा हो रहा हो कहीं पे आप कोई आपके घर में शायद डेमाइस हो गया हो कुछ भी हो गया हो तो आपके साथ जो इंसान खड़ा रहता है दैट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड सो ऐसे लोगों को ऐसे लोग एक तो बहुत कम मिलते हैं अगर मिलते हैं तो उसे हमेशा आपको संभाल के रखना चाहिए ओके आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल एपिग्राम्स ओके स्टे सेफ होम बाय टेक केयर योर सेल्फ